अब आइए सीधे आपको राजस्थान के जोधपुर लिए चले। पीएम मोदी का संबोधन आ रहा है, आपको सुनवाते। भारत सरकार आज राजस्थान में हर दिशा में, चहुं दिशा में रेल और रोड समेत हर क्षेत्र में तेज गति से काम कर रही है। इसी साल रेलवे के विकास के लिए करीब करीब 9,500 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान को दिया गया है। ये बजट पिछली सरकार के सालाना औसत बजट से करीब 14 गुना ज्यादा है। और ये मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूं, फैक्चुअल जानकारी दे रहा हूं, वरना मीडिया वाले लिखेंगे मोदी का बड़ा हमला। आजादी के बाद के इतने दशकों में 2014 तक राजस्थान में लगभग 600 किलोमीटर रेल लाइनों का ही बिजलीकरण हुआ, 600 किलोमीटर। बीते 9 वर्षों में 3,700 किलोमीटर से ज्यादा रेल ट्रैक्स का बिजलीकरण हो चुका है। इन पर डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेनें चलेगी। इससे राजस्थान में प्रदूषण भी कम होगा और हवा भी सुरक्षित रहेगी। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत हम राजस्थान के 80 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिकता के साथ विकसित कर रहे हैं। हमारे यहां शानदार एयरपोर्ट बनाने की फैशन तो है, क्योंकि बड़े बड़े लोग वहां जाते हैं, लेकिन मोदी की दुनिया कुछ अलग है। जहां गरीब और मध्यम वर्ग का व्यक्ति जाता है, मैं उस रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट से भी बढ़िया बना दूंगा। और इसमें हमारा जोधपुर रेलवे स्टेशन भी शामिल है। भाइयों बहनों, आज रोड और रेल की जिन परियोजनाओं को शुरू किया गया है, उनसे विकास के इस अभियान को और गति मिलेगी। रेल लाइनों के दोहरीकरण से यात्रा में लगने वाला जो समय है वो कम होगा और सुविधा भी बढ़ेगी। मुझे जैसलमेर दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन और मारवाड़ खामली घाट ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का भी सौभाग्य मिला है, और कुछ दिन पहले मुझे वंदे भारत के लिए भी मौका मिला था। आज यहां रोड के 3 प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास हुआ है। आज जोधपुर और उदयपुर एयरपोर्ट के नए पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ है। इन सभी विकास कार्यों से इस इलाके की लोकल अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ये राजस्थान में टूरिज्म सेक्टर को भी नई ऊर्जा देने में मदद करेगा। साथियों, हमारे राजस्थान की मेडिकल और इंजीनियरिंग एजुकेशन के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रही है। कोटा ने देश को कितने ही डॉक्टर्स और इंजीनियर्स दिए हैं। हमारा प्रयास है कि राजस्थान एजुकेशन के साथ साथ मेडिकल और इंजीनियरिंग की दृष्टि से भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला एक अच्छे से अच्छा हब बने। इसके लिए एम्स जोधपुर में ट्रॉमा, इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर की एडवांस सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत जिला अस्पतालों में भी क्रिटिकल केयर बॉक्स बनाए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।